बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम टू अवर चैनल बेसिक साइंस सॉल्यूशंस। आज हमारा टॉपिक है वो है अबाउट द कोवेलेंट बॉन्ड एंड इट्स टाइप्स, और ये क्लास फर्स्ट ईयर से भी है और ये क्लास नाइन्थ में से भी है। क्लास फर्स्ट ईयर और नाइन्थ का कम्बाइंड टॉपिक है। क्लास फर्स्ट ईयर में ये कौन से चैप्टर में से है? ये चैप्टर नंबर थर्ड में से है, जबकि नाइन्थ में ये चैप्टर नंबर फोर्थ में से है। तो हमने लास्ट लेक्चर पढ़ा था अबाउट आयनिंग बॉन्ड। आयनिंग बॉन्ड वो बॉन्ड होता है विच इज़ फॉर्म बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। उसमें एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, दूसरा गेन करता है। जो लूज करता है उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जो गेन करता है उस पर कौन सा चार्ज आता है? पार्शियल नेगेटिव चार्ज। पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है आयन्स के दरमियान और नेगेटिव आयन्स के दरमियान जो बॉन्ड बनता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं आयनिंग बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड कौन सा होता है? द बॉन्ड, ये वो बॉन्ड होता है दैट इज़ फॉर्म, जो बनता है दैट इज़ फॉर्म, जो मिलकर बनता है किससे? बाई म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से मिलकर बनता है। म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब क्या है? जिसमें दोनों ऐसे रहते हैं बाई मी इश्तराक। तो कोवेलेंट बॉन्ड वो बॉन्ड है, केमिकल बॉन्ड है, जिसमें जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है। शेयरिंग में क्या होगा? एक एटम ज़ाहिर देने की पोजीशन में नहीं होता। आयनिंग बॉन्ड में एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है, गेन करता है। कोवेलेंट बॉन्ड उस वक्त बनता है जब दोनों एटम इलेक्ट्रॉन लूज करने की पोजीशन में ही नहीं होते, तो फिर वो क्या करते हैं? शेयर करते हैं। द बॉन्ड विच इज़ फॉर्म म्यूचुअल शेयरिंग इसे कहते हैं जिसमें दोनों कितने 50-50% हो, 50% एक की कंट्रीब्यूशन हो, 50% दूसरी की कंट्रीब्यूशन हो, उसको क्या कहते हैं? म्यूचुअल शेयरिंग। दोनों की म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है उसको क्या कहते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो डी स्टूडेंट, कोवेलेंट बॉन्ड की एग्जाम्पल को समझने के लिए इसकी एग्जाम्पल आपको समझाऊँ। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17। तो आपने पढ़ा था किसी भी एलिमेंट के पहले शेयर में दो इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर 17 है, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कितने हैं? 17 है, और जितने प्रोटॉन होंगे इतने इलेक्ट्रॉन भी हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं डी स्टूडेंट? पहले शेयर में दो, दूसरे में 8, तीसरे में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। दूसरा क्लोरीन है, इसके पहले शेयर में दो, दूसरे में 8, तीसरे में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। तो डी स्टूडेंट, क्लोरीन को स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? हर एलिमेंट को स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। आक्टर रूल ये कहते हैं ना, हर एलिमेंट स्टेबल है जिसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो? 8। क्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 है। तो क्या होगा? डी स्टूडेंट, स्टेबल होने के 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अभी यहाँ कोई आइटम देने लेने की पोजीशन में नहीं, अगर ये इलेक्ट्रॉन देता है इसके 8 हो जाएंगे, इसके कितने रह जाएंगे? 6। अगर ये देता है तो इसके तो कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे, इसके 6। जो लूज करता है उसके कम हो जाएंगे, जो गेन करता है पूरे हो जाएंगे। यहाँ इलेक्ट्रॉन लूज करना और गेन करना दोनों के फेवर में नहीं है। तो डी स्टूडेंट, दोनों आइटम क्या करेंगे? ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? शेयर करेंगे। शेयर कैसे करेंगे? ये अपना इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा। जो इलेक्ट्रॉन शेयर होता है वो दोनों तरफ से होता है, वो इसका भी है, वो इसका भी है। तो इस क्लोरीन के ये दो इलेक्ट्रॉन अपने हैं, दो इलेक्ट्रॉन ये अपने हैं, दो इलेक्ट्रॉन अपने, 6 इलेक्ट्रॉन इसके अपने हैं, और ये दो इलेक्ट्रॉन के हो गए शेयर। कितने हो गए? 8। इसके दो इलेक्ट्रॉन अपने हैं, दो ये अपने, ये दो अपने, दो ही क्या हो गए? शेयर हो गए। जो इलेक्ट्रॉन इसके अपने हैं उसको हम क्या कहते हैं? जो शेयर नहीं हुए, यानी ये जो ऊपर एक पैर ये इसको क्या कहते हैं? लोन पेयर। जो शेयर नहीं होता इसको क्या कहते हैं? लोन पेयर। और जो शेयर हो गया इसको क्या कहते हैं? बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर। जो इलेक्ट्रॉन लूज हो गया उसको कहते हैं, जो शेयर हो गया उसको कहते हैं बॉन्ड पेयर, जो शेयर न हो उसको क्या कहते हैं? लोन पेयर। तो ये ऑक्टेट क्या हो गया? कंप्लीट हो गए। क्लोरीन के 6 ये इलेक्ट्रॉन ये हो गए, दो शेयर हो गए, 8। 6 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, दो ही हो गए, दोनों के 8 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? पूरे हो गए। अब इस क्लोरीन और इस क्लोरीन के दरमियान कितने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर है? एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर है। तो एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करने से जो बॉन्ड बनता है उसको क्या कहते हैं? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। डी स्टूडेंट, इस बॉन्ड का क्या नाम है? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तो Cl और Cl में क्या बनाएंगे? Cl2। तो क्लोरीन गैस, जब क्लोरीन सोडियम के साथ होता है तो उससे इलेक्ट्रॉन गेन करता है, लेकिन जब दोनों क्लोरीन आ जाए तो ये इलेक्ट्रॉन लूज या गेन नहीं करते, बल्कि दोनों क्लोरीन इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? शेयर करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन शेयर कर लेता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरा क्लोरीन शेयर कर लेता है, तो क्या बन जाता है? ये दोनों के दरमियान सिंगल बॉन्ड बन जाता है। तो इसको हम क्या कहेंगे? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर के लिहाज से कोवेलेंट बॉन्ड तीन तरह का होता है। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, जिसमें दोनों एटम एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। द बॉन्ड इज फॉर्म बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ वन इलेक्ट्रॉन बाय ईच एटम। इसमें क्या होगा? आपने देखा वन इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ किससे? बाय ए वन इलेक्ट्रॉन शेयर बाय ईच एटम।
ईच ऑफ टू एटम, दो एटम्स के दरमियान बना, और दोनों एटम क्या कहते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, उसको क्या कहते हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। डी स्टूडेंट, अभी दूसरा पढ़ते हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड। डबल कोवेलेंट बॉन्ड नाम से जाहिर है, विच इज़ फॉर्म बाई शेयरिंग ऑफ टू इलेक्ट्रॉन, बाई शेयरिंग ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स बाई ईच एटम। इसमें हर एटम जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, दो इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, उसको क्या कहते हैं, डबल कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, बाई शेयरिंग ऑफ टू इलेक्ट्रॉन बाई ईच एटम, हर एटम दो इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। फॉर एग्जाम्पल, जिस टू इसकी एग्जाम्पल क्या है डबल कोवेलेंट बॉन्ड की, आपके पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 8, दूसरे ऑक्सीजन का भी एटॉमिक नंबर क्या है, 8, तो पहले शेल में दो, दूसरे में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके भी पहले में दो, दूसरे में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसके भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, दोनों के 6 इलेक्ट्रॉन है। अभी ये शेयर करेगा 6, ये 7 हो जाएंगे, ये शेयर करेगा कितने हो जाएंगे, 8, दोनों जो ऑक्सीजन है वो कितने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, दो दो इलेक्ट्रॉन, तो 6 इसके अपने थे, 2 शेयर की 8 हो गए, 6 इसके अपने थे, 2 शेयर हुआ। अभी ये क्या है, ये शेयर नहीं हो रहा है, सो क्या कहते हैं, लोन पेयर, लोन पेयर, ये शेयर नहीं हो रहा, लोन पेयर, लोन पेयर, ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, शेयर हो रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन शेयर हो डी स्टूडेंट उसको क्या कहते हैं, बॉन्ड पेयर। तो दोनों ऑक्सीजन के दरमियान कितने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इसका, एक इसका, एक इसका, दो दो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसको क्या कहते हैं, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, क्या कहते हैं, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। तो और ओमेगा क्या बनाएंगे, O2। तो अब क्लोरीन एटम जब दोनों आएंगे तो दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, हुए के शेयर करेंगे, एक ही शेयर करेंगे, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। ऑक्सीजन की वैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन हैं दोनों के, दोनों को दो दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, दो दो शेयर करेंगे, तो दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को एक लाइन से ज़ाया करते हैं, सॉलिड लाइन से, किस ज़ाया करते हैं, दो सॉलिड लाइन से क्या करते हैं, ज़ाया करते हैं। डी स्टूडेंट, तीसरा जो बॉन्ड है उसका नाम क्या है, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। नाम से जा रहा है, विच इज़ फॉर्म बाई, ये किससे बनता है, बाई शेयरिंग ऑफ, ये किससे बनता है, बाई शेयरिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स, ये 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है, बाई ईच एटम। इसमें हर एटम कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन, विच इज़ फॉर्म बाई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बाई ईच 3 इलेक्ट्रॉन, हर एटम जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, 3। तो इसकी बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर क्या है, 7 है, तो नाइट्रोजन के पहले शेयर में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में 5 है, दूसरे नाइट्रोजन के पहले शेयर में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। तो ज़ाहिर है नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 है, इसको अपना ऑक्टेट 8 इलेक्ट्रॉन पूरी करने के लिए कितने चाहिए, 3 चाहिए, तो क्या करेगा डी स्टूडेंट में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 1, 2, 3, 4, 5, दूसरे नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, 1, 2, 3, 4, 5, दोनों को कितने कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3-3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये शेयर करेंगे, 5 है इसके, इसके 5, ये शेयर करेंगे 6, ये शेयर करेंगे 7 हो जाएंगे, ये शेयर करेंगे 8। जो शेयर होता है वो किसका होता है, दोनों तरफ होता है। फॉर एग्जांपल, आप कैलकुलेटर लेना चाहते हैं 200 का, आपके दो स्टूडेंट क्लास में, तो 100 भी डाल कर ले लेते हैं, तो वो कैलकुलेटर किसको होगा, दोनों को होगा, एक का तो नहीं होगा, दोनों को होगा। तो ये इसमें दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है अभी दोनों इस्तेमाल करेंगे, तो नाइट्रोजन के 2, 5 इलेक्ट्रॉन अपने थे, 3 इसके साथ शेयर किए, 8 हो गए, इसके 5 अपने थे, 3 इसके साथ शेयर हो गए, क्या हो गए, 8 हो गए। तो डी स्टूडेंट, इसमें क्या है, अभी दूसरे लिहाज से देखें तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, देखें एक पेयर ये है, एक पैर ये, एक पैर ये, एक पैर ये, एक क्या हो गया, एक आपके पास क्या हो गया, लोन पेयर है, जो शेयर नहीं है तो उसको क्या कहते हैं, लोन पेयर, और 3 आपके पास जो है वो क्या है, बॉन्ड पेयर, 3 एक लोन पेयर है और 3 क्या है, बॉन्ड पेयर है। इस तरफ भी यही चक्कर है, एक तो क्या है, लोन पेयर है, और दूसरी जो है वो क्या है, 3 जो है इसके अंदर क्या है, बॉन्ड पेयर है। हर आइटम के पास, अभी इसके पास भी देखिए, इसके पास क्या, ऑक्सीजन के पास क्या है डी स्टूडेंट, ये 2 लोन पेयर है, ये 2 क्या है, बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर है, 2 क्या है, बॉन्ड पेयर, टोटल कितने पेयर हो गए, 4 पेयर, और 4 पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। इसमें एक लोन पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर है, टोटल कितने पेयर हो गए, 4, और 4 पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8, 8 इलेक्ट्रॉन इसके ही पूरे, इसके ही पूरे। यहाँ क्या चक्कर है, यहाँ क्या है, एक बॉन्ड पेयर है, 3 लोन पेयर है, इसमें एक क्या है, बॉन्ड पेयर है, और 3 क्या है, लोन पेयर है, टोटल कितने हो गए, 4 पेयर, और जब 4 पेयर होंगे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8, तो डी स्टूडेंट 8 इलेक्ट्रॉन है। ये भी कौन सा बॉन्ड है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कौन सा होता है, जो एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है। इसके भी 8 पूरे हो गए, इसके भी 8 हो गए, इसके भी 8 हो गए। इसने 8 कैसे पूरे किए, इसने 8 कैसे पूरे किए, डी स्टूडेंट एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके, इसने 8 पूरे किए, 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर करके, इसने 8 पूरे किए, कितने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करके किए, 3-3 इलेक्ट्रॉन शेयर करके किए।
अच्छा जी स्टूडेंट, ये तो हो गया सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। आपने एक और चीज़ नोट की है, इसमें जो शेयर पेयर है दोनों क्लोरीन के एटम है, तो दोनों की इलेक्ट्रो नेगेटिव क्या बराबर है। इलेक्ट्रो नेगेटिव किसे कहते हैं, आपने पढ़ा हुआ है नाइन्थ क्लास में भी, एबिलिटी ऑफ एटम टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ज़रा जो शेयर पेयर होता है दोनों एटम के दरमियान होता है, बाज़ दफ़ा एक एटम शेयर पेयर को अपनी तरफ क्या करता है, ज़्यादा अट्रैक्ट कर लेता है, तो हम कहते हैं उसकी इलेक्ट्रो नेगेटिव कम है। जो कम के कहें तो हम कहते हैं उसकी इलेक्ट्रो नेगेटिव क्या है, कम है। तो यहाँ दोनों क्लोरीन है, दोनों की इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर क्या बराबर है, इसका मतलब है दोनों की जो इलेक्ट्रो नेगेटिविटी है वो क्या बराबर है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ के पास कितने क्लोरीन है, दो क्लोरीन है, दोनों की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बराबर है। शेयर पेयर कहाँ रहेगा, दोनों के सेंटर में रहेगा। शेयर पेयर ये जो दोनों के एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर है ये कहाँ रहेगा, दोनों के सेंटर में रहेगा। क्यों, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या बराबर है, कोई एटम उसको ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं करेगा, कोई काम नहीं करेगा। तो री स्टूडेंट, जब दोनों के दरमियान रहेगा, किसी एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा, तो ये वाला जो बॉन्ड होगा ये क्या होगा, इस बॉन्ड को क्या कहते हैं, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। क्या कहते हैं, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड कौन सा होता है, विच इज़ फॉर्म बाई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन सिमिलर एटम। अभी देखें दोनों एटम सेम है, क्लोरीन, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव भी 3.12 है, इसकी भी कितनी है, 3.2 है। इलेक्ट्रोनेगेटिव किसे कहते हैं, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो एबिलिटी, उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या बराबर है, तो शेयर पेयर ना एक तरफ जाएगा ना दूसरी तरफ जाएगा, शेयर पेयर कहाँ रहेगा, दोनों के सेंटर में रहेगा। तो डियर स्टूडेंट, तो क्लोरीन जो है दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, उनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कितनी है, बराबर है। शेयर पे सेंटर में रहेगा, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। ये वाला जो आपका कंपाउंड है, ये टोटल कौन सा कंपाउंड है, नॉन पोलर कंपाउंड है। कौन सा कंपाउंड है डी स्टूडेंट, नॉन पोलर कंपाउंड। नॉन पोलर कंपाउंड कौन सा होता है, नॉन पोलर कंपाउंड वो होता है जिसमें किसी एटम पर कोई चार्ज ना हो, किसी के ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, किसी के ऊपर कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है, बराबर है। यहाँ पर भी ये चक्कर है, यहाँ दोनों ऑक्सीजन के दरमियान इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, तो शेयर पर जो है कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, दोनों ऑक्सीजन के दरमियान कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, दो इलेक्ट्रॉन क्या हुए, शेयर हुए। ये जो शेयर हुए इलेक्ट्रॉन हुए ये कहाँ रहेंगे, ये दोनों के कहाँ रहेंगे डी स्टूडेंट, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये दोनों के सेंटर में रहेंगे। ना एक ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा ना दूसरा क्या करेगा, ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। शेयर पेयर दोनों के दरमियान में रहेगा, दोनों की इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो एबिलिटी है वो क्या होगी डी स्टूडेंट, बराबर है। तो इसलिए इसको भी हम क्या कहेंगे, नॉन पोलर कंपाउंड। नॉन पोलर कंपाउंड कौन सा है, वैन कोवलेंट बॉन्ड इज़ फॉर्म बाई बिटवीन टू सिमिलर एटम। दोनों एटम क्या है, सिमिलर है, दोनों की इलेक्ट्रॉन नेगेटिव क्या है, सिमिलर है। तो शेयर पेयर कहाँ रहेगा, दोनों के सेंटर में रहेगा, कोई एटम उसको ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं, दोनों एटम जो है उसको इलेक्ट्रॉन को बराबर अपनी तरफ क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। शेयर पेयर कहाँ रहेगा, दोनों के सेंटर में रहेगा। तो किसी के ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा, तो जब चार्ज नहीं आएगा, कोई पोल ही नहीं आएगा, इसको भी क्या कहेंगे, नॉन पोलर। तो ऑक्सीजन है यहाँ पर, क्या कोई चार्ज नहीं है, यहाँ का बॉन्ड क्या होगा, नॉन पोलर। यहाँ भी शेयर पेयर दो नाइट्रोजन एटम के दरमियान है, और दोनों नाइट्रोजन एटम क्या सिमिलर हैं, दोनों की इलेक्ट्रॉन को ट्रैक करने की एबिलिटी क्या है, बराबर है। इसकी यहाँ पर दोनों क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव 3.2 है, यहाँ दोनों ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव कितनी है, इसकी भी 3.5 है, इसकी भी 3.5 है। दोनों की इलेक्ट्रॉन को ट्रैक करने की पावर बराबर है। शेयर पे नए खींचेगा ना दूसरा शेयर पे कहाँ रहेगा, सेंटर में। यहाँ के क्या है जी, जो कोवलेंट बॉन्ड यहाँ तो किसके दरमियान बना, दो नाइट्रोजन के दरमियान बना है, नाइट्रोजन इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव 3 है, इसकी भी 3 है। इलेक्ट्रॉन को ट्रैक करने की पावर बराबर है। शेयर पे नहीं रहेगा बल्कि क्या रहेगा, बिटवीन टू नाइट्रोजन एटम। तो डियर स्टूडेंट, इसलिए किसी के ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा, नो चार्ज, इसके किसी के ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा। आपका ये वाला जो कंपाउंड है ये क्या होगा, नॉन पोलर। ये भी क्या होगा, नॉन पोलर। तो नॉन पोलर कौन सा कंपाउंड होता है, जब कोवलेंट बॉन्ड दो ऐसे एटम के दरमियान बने जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो या सिमिलर हो। तो शेयर पेयर दोनों के सेंटर में रहता है। क्लोरीन में कौन सा बॉन्ड है, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। दोनों ऑक्सीजन O2 में भी नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड है, दोनों सिमिलर एटम है। नाइट्रोजन में दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिव बराबर है, क्या है, ना ये क्या है, इससे ये कौन सा बॉन्ड है, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। तो दूसरा जो डी स्टूडेंट, एक हो गया नॉन पोलर, और दूसरा जो बॉन्ड है कोवलेंट बॉन्ड, उसका नाम क्या है, पोलर कोवलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है डी स्टूडेंट, पोलर कोवलेंट बॉन्ड। पोलर कोवलेंट बॉन्ड कौन सा होता है, दूसरा आ गया पोलर कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड किसे कहते हैं, व्हेन द बॉन्ड विच इज फॉर्म बाई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये किससे बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, बिटवीन कौन किसके दरमियान शेयरिंग हो, बिटवीन टू डिसिमिलर एलिमेंट।
दो मुख्तलिफ डिसिमिलर एटम्स के दरमियान जो बांड बनता है शेयरिंग से बनता है उसको क्या कहते हैं, पोलर कोवलेंट बांड। और दो डिसिमिलर एलिमेंट कौन से होंगे जिनका डिफरेंस डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव दो एलिमेंट्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या हो, क्या हो, इज 0.92 लेकर कितने तक हो, 1.7 तक हो, दो एलिमेंट के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 0.9 से लेकर 1.7 तक हो तो बांड क्या होगा, पोलर होगा। और अगर डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो, अबाव 1.7 हो, अबाव 1.7 हो तो बांड क्या होता है, आयनिक होता है। और अगर डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो, बिलो 1.7 हो, दो एलिमेंट के इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 1.7 से कम हो तो आपका जो बांड क्या होता है, कोवेलेंट होता है। फिर कोवेलेंट के अंदर भी कितनी कैटेगरी हैं, दो कैटेगरी हैं। अगर डिफरेंस जो है वो क्या है डियर स्टूडेंट, 0.9 से लेकर 1.7 तक हो, बांड क्या होगा, पोलर होगा। अगर डिफरेंस 0 से लेकर 0.9 के दरमियान हो, बांड क्या होगा, नॉन पोलर। यानी हमारे पास एक ये टूल है क्योंकि चेक करने के लिए कि बांड आपका पोलर है नहीं है, उसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.7 से ज़्यादा हो तो बांड ही आयनिक है, 1.7 से नीचे हो तो कोवेलेंट है। फिर उसकी दो कैटेगरी हैं, अगर 0.1.7 से कम है, 0.9 से ज़्यादा है तो वो पोलर होगा, और अगर 0.0 से ज़्यादा है और 0.9 के दरमियान है, बांड क्या होगा, नॉन पोलर होगा। तो नॉन पोलर क्या होगा, दो डिमिसल एलिमेंट के दरमियान है। एग्जाम्पल क्या है स्टूडेंट, इसकी एग्जाम्पल क्या, आपके पास हाइड्रोजन और क्लोरीन है। हाइड्रोजन के आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, क्लोरीन के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। तो आपने पढ़ा है डुप्लर रूल, डुप्लर रूल सिर्फ किसके लिए, हाइड्रोजन और हीलियम के लिए। कौन सा रूल है, डुप्लर रूल। डुप्लर रूल कहता है कि अगर दो इलेक्ट्रॉन होंगे तो आपके एलिमेंट क्या स्टेबल है। तो डुप्लर रूल किन एलिमेंट्स के लिए, एक हाइड्रोजन के लिए और दूसरा किसके लिए, हीलियम के लिए। और क्लोरीन वगैरह के लिए कौन सा रूल है, ऑक्टेट रूल है। ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि जिस एलिमेंट के पास 8 इलेक्ट्रॉन होंगे वैलेंस शेल में वो क्या होता है, स्टेबल होता है। ऑक्टेट रूल किसके लिए, बाकी 116 एलिमेंट्स से टोटल 118 एलिमेंट है हाइड्रोजन और हीलियम के लिए ऑक्टेट रूल है, डुप्लेट रूल है। बाकी जो 116 एलिमेंट्स हैं उनके लिए कौन सा रूल है, ऑक्टेट रूल है। ठीक हो गया डी स्टूडेंट। तो अभी इसको डुप्लेट कंप्लीट करने से एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 7 है, इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने, इसको डुप्लेट दोनों शेयर करेंगे, शेयर करेंगे इसके 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इसके कितने हो जाएंगे, इसके 7 है, कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। देखे ना, 7 अपने थे शेयर किए, कितने हो गए, 8 हो गए, 2, 4, 6 ये शेयर नहीं हुए, उसको क्या कहते हैं, लोन पेयर। और ये शेयर हुए क्या हो गए, बांड पेयर, 1, 2, 3, 4, 8 वो पूरे हो गए। और इसके एक इलेक्ट्रॉन था शेयर किए, कितने हो गए, 2 हो गए। अभी डी स्टूडेंट शेयर पेयर कहाँ होना चाहिए, शुड बी बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, शुड बी होना कहाँ चाहिए, इलेक्ट्रॉन पेयर हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान होना चाहिए। लेकिन हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है 2.1, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होती है, 3.2। पहले आपने क्या पढ़ा था, दोनों क्लोरीन के दरमियान होगा, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिव बराबर है, दोनों हाइड्रोजन के दरमियान होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव बराबर है, दोनों ऑक्सीजन के दरमियान होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव बराबर है। लेकिन यहाँ क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या ज़्यादा है, तो क्लोरीन शेयर पेयर को अपनी तरफ क्या करेगा, ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। तो डी स्टूडेंट शेयर पेयर ज़्यादा किसकी तरफ आएगा, क्लोरीन की तरफ, इस बार आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज। और हाइड्रोजन में कौन सा चार्ज आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। क्यों आएगा डी स्टूडेंट, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिव किसे कहते हैं, एबिलिटी ऑफ एटम टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस शेयर पेयर को ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इस पर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, जो आपका हाइड्रोजन है इस पर कौन सा चार्ज आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो जब इसमें भी पोल क्रिएट हो गया, इसमें भी पोल क्रिएट हो गया, दोनों में पोल क्रिएट हो गया, तो इस बांड को क्या कहते हैं, पोलर कोवेलेंट बांड। तो पोलर कोवेलेंट बांड मैंने क्या बताया था, कब बनता है, जब डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.9 से ज़्यादा हो, 1.7 से कम हो। तो देखें इन दोनों के दौरान डिफरेंस कितने हैं, इसका कितने है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.2 है, इसकी कितनी है, 2.1, डिफरेंस कितना है, 1.1। डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.1 है, 1.1 जो है वो क्या है, अबव 0.9 है, और बिलो क्या है, 1.7 है। इसलिए आपका ये जो बांड है, ये कौन सा बांड होगा, पोलर कोवेलेंट बांड। ठीक हो गया डी स्टूडेंट। दूसरी तरफ आप ले लें उसको, ये हो गया आपका हाइड्रोजन क्लोरीन। आप एक और एग्जांपल ले लें इसकी, पोलर कंपाउंड की, ऑक्सीजन को दें, ऑक्सीजन के आपने पढ़ा था कि वैलेंस टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 पहले शेयर में, 2 इलेक्ट्रॉन है दूसरे में, कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। तो हाइड्रोजन के वैलेंस शेयर में एक इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, ये देखें 6। हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा कितने हो जाएंगे, 7। दूसरे हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा कितने हो जाएंगे, 8। ऑक्सीजन एक तो हाइड्रोजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, दूसरी तरफ इस हाइड्रोजन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, शेयर करेगा। इधर ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, जब ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे ऑक्सीजन के साथ करता है तो वो कितने कितने शेयर करते हैं, 2 2।
देखो जब दोनों ऑक्सीजन थे तो इसने दो दो शेयर किए, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन एक से ज़्यादा शेयर नहीं कर सकता, तो ऑक्सीजन एक ही, लेकिन जब ऑक्सीजन था दूसरा तो उसने दो दो शेयर किए, या हाइड्रोजन है हाइड्रोजन के बाद एक इलेक्ट्रॉन है, एक इस हाइड्रोजन से शेयर करेगा, एक इस हाइड्रोजन के साथ क्या करेगा शेयर करेगा, तो डी स्टूडेंट दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तो उसका नतीजा क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन शेयर करने से जो बांड क्या बनता है, सिंगल कोवेलेंट बांड, ये भी सिंगल कोवेलेंट बांड है, ये भी क्या है, सिंगल कोवेलेंट बांड है। तो डी स्टूडेंट ऑक्सीजन के बाद कितने ट्रांस थे, छः थे, ये शेयर हो गए सात हो गए, छः थे ये शेयर के कितने हो गए, मतलब छः थे इसके साथ शेयर के सात, इसके साथ शेयर कितने हो गए आठ हो गए, लोन पेयर लोन पेयर, ये क्या हो गया बांड पेयर, ये बांड पेयर, दो चार छः आठ इलेक्ट्रॉन पूरे, हाइड्रोजन का भी एक था दो हो गए, एक था दो हो गया, हाइड्रोजन का डुप्लीट कम्प्लीट हो गया, ऑक्सीजन का ऑक्टेट क्या हो गया कम्प्लीट हो गया। अभी देखा जाए तो होना ऐसा चाहिए, ऐसे कैसे होना चाहिए डी स्टूडेंट, अरे शेयर पे क्या होना चाहिए, दोनों के क्या होना चाहिए सेंटर में, दोनों में क्या होना चाहिए सेंटर में, लेकिन क्यों सेंटर में होना चाहिए, क्योंकि शेयर में दोनों का एक एक, एक इसमें एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के, एक ऑक्सीजन के, एक हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन के, लेकिन आपने पढ़ा ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिव क्या है ज़्यादा है, उसमें इलेक्ट्रॉन को ट्रैक करने की एबिलिटी ज़्यादा है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ क्या करेगा ट्रैक करेगा, तो डी स्टूडेंट शेयर पर ज़्यादा किसकी तरफ आएगा, ऑक्सीजन की तरफ ज़्यादा आएगा, हाइड्रोजन से दूर हो जाएंगे, ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर भी जो है ऑक्सीजन की तरफ ज़्यादा आ जाएंगे, हाइड्रोजन से क्या हो जाएंगे दूर हो जाएंगे, तो हाइड्रोजन पर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस पर भी आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, तो ये जो आपका कंपाउंड बना ये वाटर है, फार्मूला क्या है H2O, और वाटर कौन सा कंपाउंड है पोलर कंपाउंड है, तो वह पोलरिटी की वजह क्या है कि ऑक्सीजन शेयर पे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, उस पर नेगेटिव पोल आ जाता है और हाइड्रोजन पर पॉजिटिव पोल आ जाता है, जब कंपाउंड में पोल आ जाए उसको क्या कहते हैं पोलर कंपाउंड। तो इनको इलेक्ट्रो नेगेटिव के लिहाज से देखें तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रो नेगेटिव होती है डी स्टूडेंट 2.1 और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रो नेगेटिव होती है 3.15, दोनों को माइनस करें कितनी बनती है 1.4, तो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव दोनों के दरमियान जो कितनी है डी स्टूडेंट, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस कितने हैं डी स्टूडेंट 1.4 है, और 1.4 जो है किस रेंज में आता है, 1.4 जो है वो अबव है किस से 0.9 से क्या है ज़्यादा है, और बिलो है किस से 1.7 से, तो 0.8 इस कैटेगरी में जो बांड आता है उसको हम क्या कहते हैं पोलर कोवेलेंट बांड। तो पोलर कोवेलेंट बांड उस वक्त बनता है जब दोनों एटम क्या हो डिसिमिलर हो, एक एटम इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा ट्रैक करे दूसरा क्या करे कम करे, जो ज़्यादा ट्रैक करे उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाए, जो कम करे उस पर कौन सा चार्ज आ जाए पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाए, तो उनके दरमियान जो बांड बनता है उसको क्या कहते हैं पोलर कोवेलेंट बांड। और तीसरी इसकी एक और एग्जांपल आपको मैं दूँ जी स्टूडेंट पोलर कोवेलेंट बांड की, एक होगी इसकी ये क्या हो गया ये कौन सा केमिकल है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कौन सा कंपाउंड है पोलर है, क्योंकि इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है इस पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, दूसरा क्या हो गया वाटर। तीसरी इसकी एग्जांपल हम लेते हैं किसके वो नाइट्रोजन को, तो नाइट्रोजन के पास जी स्टूडेंट डायमंड नंबर 7 है, पहले शेयर में 2 इलेक्ट्रॉन है दूसरे में 5, सी हाइड्रोजन का डायमंड नंबर 1 है इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है 1, 2, 3, 4, 5, हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा कितने जाएंगे 6, दूसरे हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा 7, तीसरे हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा 8, ज़्यादा 5 इलेक्ट्रॉन है 3 चाहिए, तो 3 हर हाइड्रोजन एक ही शेयर कर सकते हैं, 6 एक ही कर सकते हैं, 7 एक ही कर, लेकिन जब तीनों नाइट्रोजन थे डी स्टूडेंट क्या होता था, अगर दोनों नाइट्रोजन है तो क्या होगा, इसके बाद कितने इलेक्ट्रॉन है 5 इलेक्ट्रॉन है, इसके बाद कितने इलेक्ट्रॉन है 5 है, ये शेयर करता है 6, ये 7, ये 8, एक नाइट्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकते हैं 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, तो एक जब नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है तो डी स्टूडेंट यहाँ नाइट्रोजन एक नाइट्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करता है 3 इसके काम है और 3 इसके साथ करेगा इसके भी 8 हो जाएंगे इसके भी 8, यानी यहाँ नाइट्रोजन 3 शेयर करता था उसने एक नाइट्रोजन ने दूसरे के साथ शेयर किए 3 पूरे हो गए 8, लेकिन यहाँ नाइट्रोजन के पास 3 इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए, हाइड्रोजन के पास एक ही है ये शेयर करेगा 6 हो जाएंगे, फिर दूसरे के साथ शेयर करेगा 7 या 8, कहने का मकसद यहाँ था कि नाइट्रोजन 3 दे सकता था उसने, एक ही नाइट्रोजन ने उसकी जरूरत पूरी कर ली दूसरी नाइट्रोजन, यहाँ नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए लेकिन हाइड्रोजन एक ही दे सकते हैं, इस वजह से उसके साथ कितने हाइड्रोजन लगेंगे 3, ये आपके पास क्या बन गया डी स्टूडेंट, ये आपके पास बन गया अमोनिया बन गया। अमोनिया में क्या होगा शेयर पेयर क्या होना चाहिए डी स्टूडेंट, शेयर पेयर होना चाहिए दोनों के सेंटर में ऐसे होना चाहिए, होना यहाँ चाहिए शेयर पेयर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के क्या होना चाहिए सेंटर में होना चाहिए, ये वाला शेयर पे कहाँ चाहिए सेंटर में होना ऐसे चाहिए, लेकिन होता कैसे है शेयर पे डी स्टूडेंट, शेयर पेयर होता कैसे, हाँ शेयर पेयर होता है ऐसे, ज़्यादा कौन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन से दूर हो जाता है, ये वाला शेयर पेयर होना यहाँ पर चाहिए लेकिन ज़्यादा कौन अट्रैक्ट करता है नाइट्रोजन, ये शेयर पेयर यहाँ होना चाहिए लेकिन ज़्यादा कौन करता है नाइट्रोजन, ये
तो ज़्यादा कौन अट्रैक्ट करता है, शेयर पेयर होना दोनों के सेंटर में चाहिए, लेकिन ज़्यादा कौन अट्रैक्ट करता है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन पर आ जाता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पर आ जाता है कौन सा चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो ये कौन सा कंपाउंड बन गया, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। पोलर कोवेलेंट कंपाउंड कब होता है, जो व्हेन शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज शेयर्ड बिटवीन टू डिसिमिलर एलिमेंट। ये दोनों एटम डिफरेंट है ना, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रो नेगेटिव ज़्यादा है, कितनी होती है स्टूडेंट, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रो नेगेटिव होती है 3.0, हाइड्रोजन की होती है 2.1। डिफरेंस कितने का आ गया, 0.9 का आ गया, 0.9 या अबव वो डिफरेंस तो बांड के होता है, पोलर होता है। तो ये था अबाउट पोलर एंड नॉन कोवेलेंट पोलर कंपाउंड। तो डी स्टूडेंट, कोवेलेंट बॉन्ड का जो कंसेप्ट था किस साइंटिस्ट ने पेश किया था, लीविस साइंटिस्ट का नाम था। लीविस वो साइंटिस्ट है जिसने एसिड और बेस के बारे में भी कंसेप्ट पेश किया था, एसिड के बारे में और बेस के बारे में, कौन सी स्पीशी एसिड है कौन से बेस है, लीविस कंसेप्ट है। कोवेलेंट बॉन्ड का जो कंसेप्ट है वो भी इस साइंटिस्ट लीविस ने पेश किया था। तो डी स्टूडेंट साथ इसमें ये जो हम डालते हैं स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं, सो क्या कहते हैं, क्रॉस एंड डॉट मॉडल। क्या कहते हैं, क्रॉस एंड डॉट मॉडल। जिस तरह ये हाइड्रोजन है इसके एक इलेक्ट्रॉन को डॉट से जाया कर लेते हैं, और क्लोरीन के जो इलेक्ट्रॉन है हम उनको किस जाया करते हैं, क्रॉस से, ताकि हम कन्फ्यूज ना हो। अगर सबके इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से जाया करेंगे आपको समझ नहीं आएगी हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कौन सा है, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन क्या है कौन सा है। तो ये इसको क्या कहते हैं, क्रॉस एंड डॉट मॉडल। इस तरह ये देखें, ये आपने जो स्ट्रक्चर ड्रा किया ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को आपने डॉट से जाया किया है, और दूसरे ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को आपने किस जाया किया, क्रॉस है। तो क्रॉस और डॉट, ये क्रॉस हो गए और डॉट हो गए, इसको क्या कहते हैं, लीविस क्रॉस एंड डॉट मॉडल। लीविस का क्रॉस एंड डॉट मॉडल ये आपका है। तो डी स्टूडेंट, ये देखें, ये सारे आपने पढ़े, जो पहले जो आपने पढ़े थे कौन से बांड, अभी इसको मैं सम अप करता हूँ अपने टॉपिक को। बांड आपको केमिकोवेलेंट बांड कौन सा होता है डी स्टूडेंट, पिछले टॉपिक के साथ उसको कनेक्ट करते हैं। आपने पढ़ा था केमिकल बांड दो तरह के होते हैं, केमिकल बांड दो तरह के होते हैं मेन, एक होता है आयनिक बांड, दूसरा क्या होता है, कोवेलेंट बांड। आयनिक बांड को किससे होता है, गेन एंड लूज एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये किससे बनता है, लूज एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लूज और गेन करने से बनता है, उसको क्या कहते हैं, आयनिक बांड। और जो शेयरिंग से बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है डी स्टूडेंट, उसको क्या कहते हैं, कोवेलेंट बांड। तो आयनिक कोवेलेंट बांड को भी आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिहाज से सिंगल कोवेलेंट बांड भी हो सकता है, डबल कोवेलेंट बांड भी हो सकता है, और ट्रिपल कोवेलेंट बांड भी हो सकता है। किस हिसाब से, नंबर एक इलेक्ट्रॉन, जब दोनों एटम एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करें, देखें दोनों हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं सिंगल कोवेलेंट बांड, दोनों क्लोरीन है ये एक एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, ये तो सात सात इलेक्ट्रॉन है, दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, शेयर करते हैं सिंगल कोवेलेंट बांड। और डबल कौन सा, जिसमें दोनों एटम क्या करें, दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर करें। डबल की एग्जाम्पल क्या, ऑक्सीजन, इसके बाद कितने इलेक्ट्रॉन है, छः हैं, इस ऑक्सीजन के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है, सिक्स हैं, दोनों दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, क्या हो गया, डबल कोवेलेंट बांड। और ट्रिपल कोवेलेंट बांड क्या हो गया डी स्टूडेंट, जिसमें दोनों एटम तीन तीन इलेक्ट्रॉन शेयर करें, उसमें एक नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, तीन है, दूसरे नाइट्रोजन के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है, तीन, इस शेयर करेगा मतलब पाँच इलेक्ट्रॉन है, इसके बाद शेयर करेगा छः, इसके साथ सात, इधर क्या हो जाएंगे, आठ, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे सिंगल कोवेलेंट, दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे डबल कोवेलेंट बांड, और तीन तीन करेंगे क्या होगा, ट्रिपल कोवेलेंट बांड। ये हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिहाज से। और दूसरा किसके लिहाज से डी स्टूडेंट, अगर दोनों दूसरे लिहाज से बांड क्या हो सकता है, पोलर भी हो सकता है और क्या हो सकता है, नॉन पोलर भी हो सकता है। पोलर कब होता है, जब डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रो नेगेटिव बिलो कितना हो, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रो नेगेटिव 0.9 से ज़्यादा हो, 1.7 से ज्यादा कम हो, बांड पोलर होता है। और डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रो नेगेटिव 0 से ज़्यादा हो, 0.9 से क्या हो, कम हो, तो बांड आपका क्या होता है, आपका ये वाला जो बांड क्या होता है, नॉन पोलर होता है। ठीक है स्टूडेंट, आपको हो गया पोलर बांड, ये आपका क्या हो गया, नॉन पोलर कोवेलेंट बांड। अच्छा, तो डी स्टूडेंट ए पोलरिटी के लिहाज से आप बांड को पोलर और नॉन पोलर में डिवाइड कर सकते हैं। पोलर बांड में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है, नॉन पोलर में क्या होता है, कोई मॉलिक्यूल्स के दरमियान कोई चार्ज नहीं आता। ठीक हो गया डी स्टूडेंट, पोलर की फिर हमने एग्जांपल पढ़ी थी, पोलर की एग्जांपल हमने क्या पढ़ी थी, HCl, उसमें क्या है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, सात हैं, ये शेयर करेगा कितने हो जाएंगे, आठ, इसे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इसे पार्शियल नेगेटिव चार्ज। दूसरा पोलर की एग्जांपल आपने क्या पढ़ी थी, वाटर, वाटर में ऑक्सीजन जो है वो उसके पास छः इलेक्ट्रॉन है, तो क्या करेगा, एक से शेयर करेगा सात, एक से शेयर करेगा आठ, इस पर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पर कौन सा चार्ज आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ये भी क्या है, पोलर है। और तीसरी आपने एग्जांपल पढ़ी है अमोनिया, इसमें नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, पाँच हैं, तो हाइड्रोजन से शेयर करेगा छः, इस हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा सात, इधर के शेयर करके हो जाएंगे
8। शेयर पे यहाँ कौन अट्रैक कर रहा है? क्लोरीन। यहाँ ज़्यादा कौन अट्रैक कर रहा है? ऑक्सीजन। यहाँ कौन अट्रैक करेगा? नाइट्रोजन। जो ज़्यादा अट्रैक करेगा उसे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, जो कम अट्रैक करेगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो ये बन गया HCl, ये बन गया H2O, ये क्या बन गया? अमोनिया बन गया। तो डी स्टूडेंट, ये जो आपका बांड है, इस बांड को क्या, इसमें दोनों मॉलिक्यूल्स, दोनों इनके ऊपर क्या आ गया? ये पोल आ गया, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पोल आ गया। पोल जिसमें क्रिएट हो, डी स्टूडेंट को क्या कहते हैं? पोलर कोवेलेंट बांड। ठीक हो गया स्टूडेंट, ये था हमारा आज का टॉपिक, कोवेलेंट बांड क्या होता है और उसकी टाइप्स क्या हैं। इंशाल्लाह फिर कोवेलेंट बांड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, फिर हम कोवेलेंट बांड के बारे में मुख्तलिफ थ्योरीज पढ़ेंगे। वेस्पर थ्योरी है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, वेल्सपार थ्योरी। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में उनके बारे में पढ़ेंगे। अगर टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप वीडियो के कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं। और आपको अपने कोर्स से रिलेटेड बाकी लेक्चर चाहिए तो हमारे चैनल का विजिट करें, वहाँ पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ प्लेलिस्ट से आप सर्च कर सकते हैं। तो वॉच करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।